नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भोपाल से चेन्नई तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भोपाल से चेन्नई तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। जानेंगे भोपाल से चेन्नई तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों की डिटेल के बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में। जानेंगे वो जो ट्रेन है भोपाल के कौन से स्टेशन से कितने बजे वो ट्रेन जो है चेन्नई के लिए रवाना होती है, कौन से प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और चेन्नई में कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचती है, कितना समय लगाती है, और कितने स्टेशन हैं, कितना डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस रूट पर 20 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो हज़रत निज़ामुद्दीन MGR चेन्नई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस है, जो कि भोपाल से चेन्नई की दूरी जो है मात्र 20 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। और सबसे स्लोएस्ट है अंडमान एक्सप्रेस, जो कि 28 घंटे 40 मिनट में भोपाल से चेन्नई की दूरी जो है समाप्त करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं भोपाल से चेन्नई तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। भोपाल से चेन्नई के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन MGR चेन्नई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि हर इतवार और बुधवार को रानी कमलापति, जो कि भोपाल का ही एक स्टेशन है, यहाँ से रात के 12:20 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और 20 घंटे 40 मिनट बाद ये ट्रेन जो है चेन्नई सेंट्रल में रात के 9:00 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 5 स्टेशन से 474 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 71 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और सेकंड सिटिंग के कोच हैं इसमें, और ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन इस रूट पर चलती है, जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन इस रूट पर है, जिसका नाम है अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 16032। ये जो ट्रेन है ICF कोचेस वाली ट्रेन है, भोपाल जंक्शन से हर इतवार, सोमवार, गुरुवार को रात को 2:20 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और 28 घंटे 40 मिनट बाद अगले दिन सुबह 7:00 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे चेन्नई सेंटर में पहुंचती है। इसके तकरीबन 37 स्टेशन से 1503 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 52 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है, ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है 20 ट्रेनों में से। इसके बाद जो तीसरी ट्रेन इस रूट पर चलती है, जो कि भोपाल को चेन्नई से कनेक्ट करती है, वो है चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 20494। ये जो ट्रेन है भोपाल जंक्शन से हर मंगलवार और शनिवार को रात को 2:20 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और 25 घंटे 10 मिनट बाद अगले दिन रात के 3:30 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे चेन्नई के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड AC, थर्ड AC, थर्ड AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है लखनऊ जंक्शन MGR चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 16094। हर मंगलवार और शुक्रवार को रात को 3:05 पर यह 1 नंबर प्लेटफॉर्म से भोपाल जंक्शन से चलती है। और 27 घंटे 55 मिनट बाद चेन्नई सेंट्रल में अगले दिन सुबह 7:00 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 36 स्टेशन हैं और 1503 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 54 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, साउथ ईस्ट साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है, जो कि है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12616। ये जो ट्रेन है भोपाल जंक्शन से हर रोज रात के 3:20 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और 25 घंटे 40 मिनट बाद ये ट्रेन जो है चेन्नई एगमोरे में सुबह 5:00 पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं, 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे है। ICF कोचेस वाली ट्रेन है, पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन। तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 12622। ये जो ट्रेन है तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल जंक्शन से रोजाना सुबह 6:50 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और 23 घंटे 45 मिनट बाद चेन्नई सेंटर में सुबह 6:35 पे 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 62 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, थर्ड AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास
और जनरल डिब्बे हैं और LHB कोचेस वाली ट्रेन है, पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है जयपुर MGR चेन्नई सेंट्रल सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12968। ये जो ट्रेन है भोपाल जंक्शन से हर सोमवार और शनिवार को सुबह 7:20 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे बाद अगले दिन सुबह 8:20 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशन से 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद भोपाल से चेन्नई तक चलने वाली जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर है उसका नाम है जयपुर कोयम्बटूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12970। ये जो ट्रेन है हर बुधवार को भोपाल जंक्शन से सुबह 7:20 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24:55 बाद MGR चेन्नई सेंटर में अगले दिन सुबह 8:15 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन से 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और थर्ड AC इकॉनमी और जनरल डिब्बे हैं इस ट्रेन में और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है न्यू दिल्ली पुडुचेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22404। भोपाल जंक्शन से सोमवार को सुबह 8:35 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25:05 बाद चेन्नई गुमोरे में अगले दिन सुबह 9:40 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं और 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है नाम है जोधपुर तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। इसका ट्रेन नंबर है 20481। भोपाल जंक्शन से हर गुरुवार को सुबह 8:50 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24:50 बाद अगले दिन चेन्नई गुमोरे में सुबह 9:40 पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं। 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। इसमें दो तरह के कोच हैं, थर्ड AC और स्लीपर क्लास के कोच हैं। इसके अलावा पेंट्री करके कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है अनुव्रत AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि भोपाल जंक्शन से हर सोमवार को सुबह 9:00 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे बाद चेन्नई गुमोरे में सुबह 10:00 पहुंच जाती है। और उसके तकरीबन 15 स्टेशन से 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। AC सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के कोच हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इस ट्रेन को भोपाल से चेन्नई मोरी की दूरी जो है कवर करने के लिए 25 घंटे का समय लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है जोधपुर मनार गुड्डी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22673। यह जो ट्रेन है भोपाल जंक्शन से हर शुक्रवार को सुबह 9:00 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24:40 बाद चेन्नई गुमोरे में सुबह 9:40 पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं। 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन भोपाल को चेन्नई से जोड़ती है वो है फिरोजपुर कैंट रामेश्वरम हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 20498। ये जो ट्रेन है भोपाल जंक्शन से हर शनिवार को सुबह 9:35 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24:05 बाद अगले दिन सुबह 9:40 पे चेन्नई गुमोरे में पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं और 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 62 किलोमीटर पर आवर है। हम सफर टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। थर्ड AC और स्लीपर क्लास के इसमें कोचेस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12652। ये जो ट्रेन है भोपाल जंक्शन से हर गुरुवार और मंगलवार को शाम को 4:05 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 23:50 बाद ये ट्रेन जो है चेन्नई गुमोरे में
अगले दिन दोपहर को 3:55 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच दिया। इसके तकरीबन 5 स्टेशन हैं, 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 62 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है थिरुकुरल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12642। ये जो ट्रेन है हर सोमवार और शनिवार को भोपाल जंक्शन से सुबह 4:05 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। 23:50 बाद चेन्नई के बोरे में अगले दिन दोपहर के 3:55 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं, 1484 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 62 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है गोरखपुर तिरुवनंतपुरम नॉर्थ कोचीवली राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि हर इतवार, गुरुवार और शुक्रवार को रात के 9 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से भोपाल जंक्शन से रवाना होती है और 25:40 बाद चेन्नई सेंटर में अगले दिन रात के 10:40 पे 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है बरौनी अरनाकुलम जंक्शन राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12521। ये जो ट्रेन है भोपाल जंक्शन से हर मंगलवार को रात को 9 बजे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25:40 बाद अगले दिन रात के 10:40 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है अहिल्या नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22645। भोपाल जंक्शन से हर सोमवार को ये रात के 9:15 पर रवाना होती है और 25:30 बाद चेन्नई सेंटर में अगले दिन रात के 10:45 पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। थर्ड एसी इकॉनमी, सेकंड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद भोपाल से चेन्नई तक चलने वाली जो इकलौती गरीब रथ ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन MGR चेन्नई सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि हर सोमवार को रात के 11:40 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:20 बाद अगले दिन रात के 9 बजे चेन्नई सेंटर में पहुंच जाती है। इसके 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर इसका ट्रेन नंबर है 12612। इसके 8 स्टेशन हैं, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 70 किलोमीटर पर आवर है। ये थर्ड एसी इकॉनमी के इसमें कोच होते हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो आखिरी ट्रेन इस रूट पे चलती है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12434। ये जो ट्रेन है भोपाल जंक्शन से हर बुधवार और शुक्रवार को रात को 11:40 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:20 बाद चेन्नई सेंटर में नेक्स्ट डे रात को 9 बजे 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 70 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। तो दोस्तों इसी के साथ भोपाल से चेन्नई तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।